नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 3 अप्रैल 2023, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि चित्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर के तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, 10 ग्राम भी कब नहीं मिलेगा आपके हक का राशन, सरकार के इस फैसले से ग्राहक हुए हैं खुश। देश में करोड़ों परिवार जो है राशन की दुकान से राशन लेते हैं और इन सभी लाभार्थी परिवारों के हित की सुरक्षा के लिए सरकार कुछ जरूरी यहाँ पर नियम सरकार ने बनाए हैं और इनका सख्ती से पालन किया जा रहा है। वैसी कड़ी में सरकार राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को भी अनिवार्य कर चुकी है। हो सकता है कि ज्यादातर लाभार्थी को इस बारे में यहाँ पर जानकारी ना हो। दरअसल कई बार जो है राशन कार्ड धारकों को पीडीएस केंद्र पर अनाज के तोल में गड़बड़ी की शिकायत यहाँ पर थी। इसके बाद सरकार ने राशन केंद्रों पर ईपीओएस जो मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उसको यहाँ पर अनिवार्य कर दिया। अब बिना इसके राशन की दुकान जो दुकान वाले जो है वो आपको इसको राशन नहीं बेच पाएंगे, यानी बिना इस तराजू के यहाँ पर राशन नहीं तोल पाएंगे। वही जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस, उसके लाभार्थियों को कम राशन ना मिले इसके लिए राशन डीलरों की दुकानों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी पोस्ट डिवाइस को यहां पर इलेक्ट्रिक तराजू से यहां पर जोड़ा गया है। इस डिवाइस के लगने से अब राशन तोल में गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं बची है। ये मशीनें जो है ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन में भी यहां पर काम करेगी। वह सरकार ने राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और कम तोल वाले मामलों को रोकने के लिए ये कदम यहां पर उठाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की हुई है एंट्री। इरडा ने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए इको और क्रेडिट एक्सेस को दिया है लाइसेंस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इरडा, उसने भारत में 2 नई कंपनियों को इंश्योरेंस लाइसेंस देने की मंजूरी दी है। इरडा ने इको लाइफ और जो इको लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड और क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस को ये मंजूरी जो है 25 मार्च 2023 को आयोजित 121वीं बैठक में यहाँ पर दिया है। इरडा ने इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए ये जो मंजूरी है 12 साल बाद दी है। इससे पहले साल 2011 में लाइसेंस के लिए मंजूरी यहाँ पर दी गई थी। इन दोनों कंपनियों को लाइसेंस देने के बाद भारत में इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेटिंग कंपनियों की संख्या जो है अभी 26 हो चुकी है। इरडा ने अपने बयान जारी करते हुए कहा है कि इन दोनों कंपनियों के अलावा 20 इंश्योरेंस कंपनियों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के अलग अलग स्टेज पेंडिंग में है। वही इको पहले से यहाँ पर एक इको जनरल इंश्योरेंस नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर चलाती है। ये जनरल अंटार्कटिक और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जैसी कंपनियों से बैक्ड है। वह 2021 में कंपनी यूनिकॉर्न बनने के बाद अब पूंजी जुटाने की कोशिश जो है वो कर रही है। वह इको भी ऑटो और हेल्थ ट्रेवल सेगमेंट में इंश्योरेंस यहाँ पर देती है। इसके अलावा क्रेडिट एक्सेस जो है वो ग्रामीण लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है वो है, जिसका पास दुनिया में सबसे बड़ा यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस मार्केट शेयर है। वही क्रेडिट एक्सेस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड इसी इंश्योरेंस की कंपनी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बेरोजगारी को लेकर बड़ी खबर देखिए, मार्च के लिए बेरोजगारी दर रही है 7.8। आर्थिक निगरानी से जुड़ी संस्था जो है CMII ने कहा है कि भारत में बेरोजगारी दर जो है मार्च महीने में 3 महीनों के उच्चतम स्तर यानी 7.8% पर पहुंच गई है। वह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है CMII, उसकी तरफ से यहां पर जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में बेरोजगारी दर जो है 7.8% पर पहुंच गई, जो कि 3 महीनों में उच्चतम स्तर है। वैसे पहले नवम्बर और दिसंबर में जो बेरोजगारी दर जो है जो थी वो 8.30 हो गई थी, लेकिन जनवरी में ये घटकर 7.14% पर आ गई थी और फरवरी में ये फिर बढ़कर 7.45% पर पहुंच गई थी और अब ये जो है 7.8% पर पहुंच चुकी है। वही आंकड़ों के अनुसार मार्च में शहरी बेरोजगारी दर जो है 8.4%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जो है 7.5% रही है। वही CMII के प्रबंधक निदेशक जो है महेश व्यास, उन्होंने कहा है कि देश में मानव संसाधन बाजार की स्थिति मार्च 2023 में और खराब हो गई है। बेरोजगारी दर जो है फरवरी के 7.5% से बढ़कर अब 7.8% हो गई है। वही राज्यों की अगर बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 26.8% यहाँ पर रही है और 26.4% के साथ राजस्थान जो है अभी दूसरे स्थान पर रहा है। जम्मू कश्मीर बेरोजगारी दर जो है 23.1% और सिक्किम में 20.7%। और कम की बात यहाँ पर करें तो सबसे कम जो है छत्तीसगढ़ में 0.8% है और इसके बाद पुडुचेरी में 1.5% और गुजरात में 1.8% बेरोजगारी दर रही है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए। व्हाट्सएप ने फरवरी में बैन किया है भारत में 45 लाख से ज्यादा अकाउंट। पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग जो ऐप है व्हाट्सएप, उसने फरवरी में 45 लाख से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगाया है। ये पिछले महीने में व्हाट्सएप द्वारा बैन किए गए अकाउंट के नंबर से कई अधिक है। भाई व्हाट्सएप ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक कंपनी ने जनवरी में 29 लाख अकाउंट बैन किया था। इससे पहले दिसंबर में 36 लाख और नवंबर में 37 लाख अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया था। भाई कंपनी हर महीने अपनी यूजर सेफ्टी रिपोर्ट जो है वो जारी करती है। इसमें व्हाट्सएप को मिली शिकायतों की डिटेल के साथ साथ उन पर की गई कार्रवाई का जो ब्यौरा जो है वो होता है। वही व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि लेटेस्ट मासिक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने फरवरी महीने के अंदर 45 लाख से अधिक खातों पर बैन लगाया है। वही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 के बीच 45 लाख 97 हजार के आसपास व्हाट्सएप अकाउंट पर बैन लगाया गया है। इसमें 12 लाख 98 हजार तो है अकाउंट को यहाँ पर एक्टिव रूप से बैन यहाँ पर किया गया है। वही बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज यहाँ पर हेट स्पीड और इसके अलावा गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलाने में कई बार होता है। इसी तरह मतलब इस तरह की जो मतलब परिस्थिति जो है उसे बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंट बैन करने जैसे कदम जो है उठाने पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है दवाइयों को लेकर। पेन किलर, डायबिटीज और दिल की दवाएं हुई है महंगी। पेन किलर, एंटीबायोटिक और इसके अलावा एंटी इंफेक्टिव और कार्डियक दवाई जो है महंगी हो गई। इनकी कीमत जो है 1 अप्रैल से 12% तक बढ़ गई है। वही ACL यानी जरूरी दवाओं की कीमत समेत यहाँ पर 184 दवाओं के दाम जो है एक बार फिर यहाँ पर बढ़े हैं। वही 12% की बढ़ोतरी हुई है। लगातार दूसरा साल है जब शेड्यूल दवा की कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पर नॉन शेड्यूल दवाओं की तुलना में ज़्यादा हुई है। वही हर महीने की जैसे सैलरी यहाँ पर आती है उसका एक हिस्सा जो है परिवार की दवाइयों के लिए रखा जाता है। ऐसे में दवाइयों की बढ़ती कीमतों के बारे में जानकर बजट को लेकर लोग जो है वो चिंतित होंगे। वही दवाइयों के जो दाम है अभी यहाँ पर बढ़ा है। दवाई के दाम के जो प्राइस जो है वो बढ़ाने का जो काम जो है NPPA करता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी जो है, प्राइसिंग अथॉरिटी, वो यहाँ पर इसका फैसला जो है वो करता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो मारुति की कार खरीदना हुआ है महंगा। कंपनी ने बढ़ाई है सभी मॉडल की कीमतें। देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी जो है मारुति सुजुकी, उसने अपने सभी मॉडल की कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वही प्राइस हाइक ऐसे समय हुई है जब मारुति ने अपनी गाड़ियों की बिक्री में गिरावट, यहाँ पर मारुति की जो गाड़ियाँ उसकी बिक्री में गिरावट आई है। वही मारुति ने मार्च 2022 में 1,70,071 गाड़ियाँ बेची है। ये मार्च 2021 में बिकी 1,70,355 से भी कम है। वही कंपनी ने इससे पहले 16 जनवरी को सभी मॉडल की कीमतों में 1.1% की बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। वही कंपनी ने कहा है कि मॉडल में बढ़ोतरी का जो एस्टिमेटेड है वो यहाँ पर एवरेज इसका लगभग 0.80% है। इसका कैलकुलेशन दिल्ली की एक्स शोरूम की कीमतों का इस्तेमाल करके किया गया है। वे कंपनी ने बताया कि महंगाई और बदलते रेगुलेटरी नर्म्स के कारण दामों में इजाफा किया गया है। मारुति की पॉपुलर कार में वेगना और इसके अलावा डिजायर और एक्सप्रेसो और अल्टो जो है इसमें शामिल है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 12वीं पास कर चुके बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर देखिए। अब हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। दरअसल सरकार 12वीं पास युवाओं को हर महीने जो है 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जो है देगी। योजना जो है यहाँ पर इसी महीने अप्रैल से लागू हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को यहाँ पर लागू किया है। इसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में निवासियों को ये बेरोजगारी भत्ता जो है वो मिलेगा। वही परिवार का एक ही व्यक्ति जो है बेरोजगारी भत्ते का लाभ ले सकेगा। वही नौकरी छोड़ने वाले को ये भत्ता जो है नहीं मिलेगा। डॉक्टर, वकील और उच्च पदों पर तैनात परिवारों के सदस्य होने पर 10,000 रुपये से ज़्यादा पेंशन पाने और टैक्स भरने वाले परिवार का सदस्य भी इसका लाभ नहीं उठा सकता है। यानी छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है उसमें कुछ सरकार ने नियम यहाँ पर बनाए हैं। वही किसी भी स्थिति में 2 साल से ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। 1 साल में नौकरी अगर लग जाती है तो भत्ता बंद हो जाएगा, वरना 1 और साल के लिए ये भत्ता बढ़ाया जाएगा। हर 6 महीने इस योजना के तहत जाँच जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर की जाएगी। यानी जाँच वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर होगी। वही आवेदन करने वालों की जो उम्र जो है वो 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में रजिस्ट्रेशन 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। सालाना आय भी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी बेरोजगारी भत्ते का फायदा उठाया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में फिर लौट रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में आए हैं 3,824 नए कोरोना केस।
देश में एक बार फिर से कोरोना महामारी सिर उठाती नजर आ रही है। पिछले कुछ समय से राहत के बाद अब भारत में कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3,824 नए मामले सामने आए, जबकि देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 18,340 हो गई है। वही कोरोना के नए मामलों को देखते हुए राज्य और यहाँ पर केंद्र स्वास्थ्य विभाग भी फिर सतर्क हो गए हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश में मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर होगी। वही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कल सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,824 नए मामले देश में सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर भारत के अंदर 18,000 से ज्यादा हो गई है। वही ये कुल मामलों का 0.04% है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों में कोरोना से दिल्ली में 4 नई मौतों की सूचना यहाँ पर मिली है, मतलब पूरे देश में 4 नई मौतें हुई है। इसमें यहाँ पर केरल, दिल्ली और राजस्थान और हरियाणा में एक एक मौतें हुई है। वही देश में अभी करंट डेली पॉजिटिविटी रेट जो है 2.87% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.24% है। वही भारत में कोरोना के मामलों को यहाँ पर बढ़ते हुए देखकर अभी यहाँ पर सरकार जो है सतर्क हो चुकी है और मॉक ड्रिल जो है वो 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश के अंदर होगी।